नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे में टेक्नीशियन के भर्ती से संबंधित अभी अभी आरआरबी भोपाल के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि टेक्नीशियन का कुल कितना पोस्ट है, यानी कि टेक्नीशियन का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आपको 8 से 10 दिन में देखने को इसी मंथ में मिल सकता है। लेकिन समझ जाइए, इस नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, यानी कि रेलवे का जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है उसके अनुसार भर्ती आना चालू हो गया। भले भर्ती कम दिया गया, लेकिन हमें उम्मीद ये लगता है कि कहीं रेलवे इस एग्ज़ाम कैलेंडर को पालन जरूर करेगा। इसलिए आप सभी को भी तैयार रहना है कि रेलवे में अगर एलपी में कहीं नहीं हुआ तो टेक्नीशियन में होगा, टेक्नीशियन नहीं हुआ तो एनटीपीसी, एनटीपीसी नहीं हुआ तो ग्रुप डी, यानी एक साल में जब हम 4 राउंड घूमेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट जरूर हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ना है और इस नोटिफिकेशन के बारे में हम संपूर्ण डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले क्या कीजिए, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन का मैथ का सोल्ड पेपर 1996 से लेकर अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है सभी क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको ले लीजिए। ठीक उसी तरह से रीजनिंग का बुक किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम, इसमें रीजनिंग का सभी सोल्ड क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, आप इसको भी लेकर बनाते रहिए। अब देखिए, जो रेलवे टेक्नीशियन का भर्ती इस नोटिफिकेशन में 441 पोस्ट किसके आरआरबी भोपाल के द्वारा दिया जा रहा है, यानी भारत में जो आरआरबी टोटल आपका 21 आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें एक आरआरबी ने 441 पोस्टी की भर्ती जारी किया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना भी चाहते हैं तो कमेंट में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं आप वहां जुड़ जाइएगा, वहां पर हम इसको डाल देंगे। टेक्नीशियन का आपका 9000 प्लस पोस्ट पे भर्ती आएगा। आरआरबी भोपाल के नोटिफिकेशन के अनुसार 441 पोस्टों पर निकाला गया है। इसका ऑनलाइन आपका अप्रैल में होगा, फुल नोटिफिकेशन आपको 8 से 10 दिन में दिखाई दे देगा। इसके लिए योग्यता या तो आप 12 पास बरौनी PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तब भर सकते हैं, या आप ITI किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें CBT1 और CBT2 दो एग्ज़ाम लिया जाता है। CBT1 आपको ओनली क्वालिफाई करना रहता है, CBT2 से ही आपका मेरिट बनता है पार्ट ए से। इसलिए अगर इसमें आप नोटिफिकेशन को टेलीग्राम से लेकर देख लीजिए कि क्या हमने उस ट्रेड से ITI किया है कि नहीं, हमने PCM के लिए कितना सीट है, आप सभी इस नोटिफिकेशन को लेकर देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का और मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय के द्वारा हर RRB से टोटल वैकेंट सीट का डाटा मंगाया जा रहा है, इसी क्रम में इस नोटिस को दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।